मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ करके दूसरे किसी के साथ हैं अभी। भैया मेरा नाम गायत्री यादव है। गायत्री यादव कहाँ की रहने वाली हो? प्रॉपर तो अयोध्या की हूँ, बाकी अभी तक मैं MP में ही रही हूँ। मेरा एजुकेशन और बर्थ भोपाल में हुआ है, बाकी टाइम में मैं इंदौर में रही हूँ। अच्छा, एजुकेशन की आपने बात की, तो क्या है आपकी क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएट हूँ भैया, और कंप्यूटर में मैंने DFA कोर्स कर रखा है। इतनी सारी डिग्री होने के बाद आप ग्रेजुएट हैं, आप कंप्यूटर का भी कोर्स कर रखी हैं, और उसके बाद उस फील्ड में आप नहीं गई, आप ऑफिशियल जॉब कर सकती थी, कंप्यूटर से आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो फिर क्या वजह रही कि आप ऑटो ये ई रिक्शा चलाने के लिए? भैया मैंने उस तरह की भी जॉब की है, मॉल में जॉब किया है और होंडा के शोरूम पे बिलिंग का काम करती थी, पर सैलरी अच्छी नहीं मिलती थी, 7,000-8,000 इससे ज़्यादा मिलती नहीं थी। इसमें मेरे को मेरी फैमिली में मैं और मेरी बेटी ही है, तो मतलब कि सारा परिवार का खर्चा सब मुझे ही देखना है, तो उसमें हो नहीं पा रहा था। आप और आपकी बेटी है, पति आपके कहाँ है? मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ करके दूसरे किसी के साथ हैं अभी। आपके हस्बैंड आपको छोड़ कर दूसरी शादी कर ली? शादी तो नहीं है भैया, पर वो अभी शायद दूसरे के साथ हैं। मतलब आपसे जैसे कि डिवोर्स वगैरह नहीं हुआ? अभी कानूनी तरह से डिवोर्स नहीं हुआ है कानूनी। तो आपने बताया कि सैलरी वजह रही आपकी, इसलिए आपने ई रिक्शा चलाना शुरू किया। ई रिक्शा आप कब से चला रहे हैं? 5 महीना हो गया भैया। 5 महीना जी। ई रिक्शा ये आपका है या फिर? नहीं, किराए का है। किराए का है जी। किराए पर कैसे आपको अवेलेबल हुआ? है एक नीतीश तिवारी भैया, पॉलिटेक्निक पे हैं, उन्होंने मेरी मदद की है, उन्होंने ही रिक्शा दिलवाया, क्योंकि कोई मेरे को किराए से देता भी नहीं था महिला के कारण, उन्होंने ही शुरुआत से ही दिया, उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की, स्टार्टिंग में पैसे भी नहीं लिए, तो उन्हीं का रिक्शा चलाती हूँ मैं। चलाना आपने कहाँ सीखा इसको? भैया मैंने 100 रुपये घंटे या 15 मिनट के 100 रुपये, आधे घंटे के 100 रुपये, ऐसे ऐसे करके। क्या बात करें, 100 रुपये आपको 15 मिनट के 1 घंटे के देने? क्योंकि पहले हाँ कर देते थे, 15 मिनट सिखाने के बाद ड्राइवर को मेरे साथ बैठने में शर्म आती थी, लोग मुझे देखते थे तो उनको लगता था कि अरे मतलब औरत चला रही करके, वो बोलते थे नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। कितने दिनों में आपने सीख लिया? 5-6 दिन लगे थे। मात्र 5-6 दिन? जी जी। अच्छा अच्छा, इसके पहले आपने कुछ कोई गाड़ी वगैरह चलाई रही? नहीं भैया, कोई भी गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। 5-6 दिन में इसका मतलब कोई भी काम करना हो उसके लिए लगन होनी चाहिए, नहीं तो 5-6 दिन में तो इतना आसान नहीं एक महिला के लिए अगर देखा जाए, लेकिन अगर इंसान कुछ भी करना चाह रहा है वो तो उसके लिए आसान ही हो जाएगा। जी, संभव है यदि अपन दृढ़ निश्चय कर ले तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ, अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, तो मुलाकात में क्या कुछ बात हुई या क्या कुछ मदद हुई आपकी, क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? भैया मेरे को विकास यादव भैया हैं यहाँ नेता हैं, उन्होंने मेरा वीडियो देखा था, फिर उनका फ़ोन आया कि वो आपकी समाजवादी पार्टी की तरफ से मदद होगी, और फिर उसके बाद उनका गुरुवार को कॉल आया कि आप लखनऊ आइए, अखिलेश यादव जी से आपको मिलना है। मैं गई वहाँ पर, भैया जी से मिली, माननीय अखिलेश यादव जी से, उन्होंने मेरे काम की सराहना की और फिर उन्होंने तुरंत बोला कि इनको 1 लाख का चेक काट के दे दिया जाए, तो मुझे 1 लाख का चेक मिला है। मिला कि बस ऐसा ही है कि नहीं बस, क्योंकि नेता है तो भाई नेताओं का थोड़ा सा भरोसा कम किया जाता है, तो आपको चेक मिला या नहीं मिला? मिला भी है भैया, केस हो चुका है वो अकाउंट। अच्छा, हाँ अच्छा, आपके अकाउंट में आ चुका है। और कुछ क्या बात हुई अखिलेश यादव से आपको? क्या शायद पता नहीं, ऐसी उम्मीद रही होगी कि नहीं अखिलेश यादव से हमारी कभी मुलाकात होगी ई रिक्शा चला कर या फिर और कुछ करके? तो भैया थोड़ा उन्होंने पूछा रिक्शे के बारे में, कैसे क्या चला रही हो, कितनी कमाई क्या होती है, बस बेटी को भी लेके गई थी, उसको भी आशीर्वाद दिया उनने, और फिर उनके इतने बड़े इंसान हैं उनके पास इतना टाइम कहाँ, ज़्यादा बात नहीं हो पाई, थोड़ी बहुत बात हो करके उन्होंने तुरंत मतलब कि 10 मिनट भी नहीं लगा होगा मेरे को चेक हाथ में मिल गया है। इस चिलचिलाती गर्मी में, चिलचिलाती धूप में आप रिक्शा चला रही हैं, आप कह रही मैंने शोरूम में काम किया, तो आप AC में काम की होंगी, तो उस AC की अपेक्षा यहाँ पर क्या अनुभव होता आपको? भैया दिक्कत तो होती है, पर जीवन संघर्ष है, करना ही है, यदि अपना मतलब मेरी बेटी है उसको देखना है, पढ़ाई करवाना है उसको, और भी सब बहुत सारी ज़रूरतें रहती हैं, सब कुछ मेरे ऊपर है, तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, आपके परिवार में आप हैं, आपकी बिटिया है, बिटिया भी क्या कौन सी क्लास में पढ़ रही है? 12th में भैया, डॉक्टर बनना चाहती है, बायो सब्जेक्ट है। अच्छा, 12th में है बायो सब्जेक्ट से। अच्छा, डॉक्टर बनाने का इरादा है? जी भैया, डॉक्टर बनाऊंगी उसको। इसको लेकर अखिलेश यादव से कुछ बातचीत नहीं? मेरे को डॉक्टर बनाना है, अगर मैं कुछ नहीं कर पाई या फिर संभव मेरा नहीं हो पाया उतना, तो क्या कुछ मदद होगी आप? नहीं भैया, उन्होंने इतनी बड़ी मदद की, उसके बाद बोलना मुझे ठीक नहीं लगा काफ़ी, मतलब कि मेरे को थोड़ी बहुत भी मदद मिल गई, बाकी वो पढ़ेगी, नीट का एग्ज़ाम
क्रैक करेगी, हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपकी बिटिया कामयाब हो और आप भी कामयाब हो और आपसे लोग प्रेरित हो। तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरीके से आपके जैसे हालात हैं, उन लोगों के कहीं उनके पति छोड़ दिए हैं तो कहीं उनके पति हैं ही नहीं, परिवार के लोग उनको अलग कर दे रहे हैं, तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाह रही हैं? क्योंकि महिलाएं तो फिर एक तरह से बेबस हो जाती हैं, महिला है कहती हम तो महिला हैं, और जाहिर सी बात है कि समाज में जो महिला कहीं ना निकली हो, घूंघट में रही हो, समाज से बाहर ना निकली हो, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। जी भैया, एक टाइम ऐसा था कि मैं भी घूंघट में रही हूँ, मैं भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर मेरा सिर्फ महिलाओं से यही कहना है कि परिस्थितियों के आगे हार ना माने, दृढ़ता से निश्चय करके खड़ी होंगी तो ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती। एक पर्सनल सवाल आपसे है, हाँ, पति के बारे में ही, पति आपके क्या करते हैं और क्या वजह रही कि आप लोगों के बीच ऐसा मन मुटाव हुआ? आप कह रहे हैं कि दूसरे के साथ रहती, तो ऐसा ही कुछ मामला करते? जी नहीं, इंदौर की बात है भैया, थोड़ा पर्सनल है इसलिए मैं इस बात को। कोई बात नहीं, क्या करते हैं वैसे? वो इंदौर में ही प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे जॉब करते हैं। उनकी क्या पढ़ाई लिखाई रही थी? वो ज़्यादा नहीं पढ़े थे, वो 12th पढ़े हैं बस। मतलब वो आपसे कम पढ़े थे? जी, क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ाया या फिर अपने मायके से पढ़ा? नहीं नहीं, मैं भैया पहले के टाइम की शादी थी, अरेंज मैरिज थी, हम लोग छोटे छोटे थे तब शादी हो गई थी, उसके बाद मेरी पढ़ाई जारी रही क्योंकि गौना, तब गौना होता था और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, उसके बाद हम लोग इंदौर चले गए, इंदौर में ही हमने 20 साल रहे, जॉब किया वहाँ पे, इसे पर बाद में नहीं पता था कुछ ऐसा हो जाएगा। और आपके यहाँ कोई रहता है जौनपुर में? जी जी, मेरी बहन है, बहन के साथ रह रही हूँ। बहन के साथ आप? हाँ। अच्छा, कौन, कैसे दिमाग में आपके आया, कौन सजेस्ट किया कि रिक्शा ही चलाया जाए? और कुछ भी हो सकता था, क्योंकि आप, मेरे मन में यही हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब आपने इतनी पढ़ाई की फिर उसके बाद ई रिक्शा ही क्यों ऑप्शन आपको लगा, कि आपने जॉब भी किया उसके बाद ई रिक्शा ऑप्शन क्यों लगा? दिए भैया 2 साल हो गए थे ऐसा मेरे साथ हुए, मैंने बहुत सारी जॉब ढूंढी पढ़ाई के हिसाब से, उसके बाद ही मैंने, मतलब कि पहले मैंने मॉल में जॉब किया, उसके बाद मैंने कंप्यूटर सीखा, उसके बाद मैंने और नौकरी ढूंढी, पर देख रही हूँ कि प्राइवेट नौकरी में सिर्फ शोषण ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी मैंने पहले जॉब ही ढूंढी थी कि 10,000 तक की भी सैलरी मिल जाएगी तो मैं जॉब करूँगी, जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूँगी, पर भैया 7-8 इसके ऊपर कहीं नहीं जा रहा था। तो फिर उसके बाद मेरी दीदी और जीजा जी ने बोला कि एक काम करते हैं, रिक्शा सीखो, रिक्शा सीख करके वो चलाएंगे, वो अपना खुद का काम हो जाएगा। तो फिर तब से ये कर रहे हैं। ये समाज है और लोगों का काम है कहना, भाई ये तो लोग कहेंगे ही। आपको क्या कुछ ऐसा कभी फेस करना पड़ा कि यार लोग कह रहे हैं यार महिला होकर ये चला रही है, और आपके बगल में पुरुष भी बैठते होंगे, आप पुरुषों को भी ले जाते होंगे, ऐसा नहीं तो सिर्फ महिलाएं को ही ले जा रही है, तो क्या कुछ अभी आपके बगल में कोई बैठा हो, बातचीत कोई कर रहा हो आपके पीछे बैठकर, कुछ ऐसी बातें कि आपको लगी हो कि? भैया जो सवारी बैठती हैं वो लगभग ऐसे बैठते हैं कि वो देख के ही बैठते हैं कि लेडीज़ है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और हाँ, रास्ते में मुझे ज़रूर इतनी दिक्कत होती है कि कई लोग हाथ देते हैं, रोकती हूँ, उसके बाद देखते हैं महिलाएं तो वो हाथ जाने का इशारा कर देते हैं, और कमेंट्स भी होते हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स, कुछ बुरे कमेंट्स, सब कुछ झेलना पड़ता है, दिक्कतें तो होती हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज़ें हैं, ये वही समाज है, जब आप कहीं किसी स्तर पर होते हैं तो ये समाज कुछ भी बोलता है, लेकिन जब आप किसी मुकाम पर होते हैं तो यही समाज के लोग जो कभी हमें, हमसे कतराते हैं, वही शायद मेरे पास आकर, क्योंकि ये वो दौर चल रहा है कि मेरे पास आकर वही सेल्फी लेंगे, शायद वो दौर आएगा, मुझे लग रहा है, मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप वो दौर लाएंगी इस समाज के लिए, और इस समाज के लिए आप कहीं ना कहीं एक प्रेरणा बनेंगी उन महिलाओं के लिए जो तमाम इस तरीके की महिलाएं हैं जिनके सामने वो हालात है, जिस तरीके से आपने बताया कि आपके सामने वो हालात है कि आप इस तरीके से समाज की तमाम सारी चीज़ों को फेस करके आप आज ये चीज़ें करने को मजबूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार को चलाना है, बेटी को सपना है कि बेटी को डॉक्टर बनाना है, और कुछ इरादा है कि सिर्फ मूड बना लिया कि बेटी को डॉक्टर ही बनाना है? भैया उसका ही सपना है डॉक्टर बनने का, उसका शुरू से बायो में बहुत इंटरेस्ट था, बायो उसको काफ़ी नॉलेज है, मतलब कि अच्छा पढ़ती, बहुत अच्छा पढ़ती है। अच्छा, वो बायो सब्जेक्ट उनका इंटरेस्टेड है, कहने का मतलब वो इंटरेस्ट ले रही है कि मुझे बायो ही पढ़ना है इसी फील्ड से? हाँ, तो बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही पढ़ाऊँ ना, क्योंकि कहीं ज़बरदस्ती अपन दूसरा सब्जेक्ट दिलवाएंगे मन नहीं लगेगा, तो इसलिए वो बायो। यार कमाए, क्या नाम है आपका? क्या नाम? राजकुमार, हमारा नाम है राजकुमार। हाँ, क्या कहेंगे आप इनके लिए? इनके लिए इन्हीं से पूछ लीजिए, हमारे बारे में बताएंगे, उनसे तो मैंने बातचीत की। हमारे लिए तो सही है भैया,
भैया महिला कमा रही है भाई, अपना परिवार चला रही है, उसके लिए अब क्या चाहिए? अब 8,000 की नौकरी करिए, पढ़ाई में पैसा दिए, इनके किराए के मकान के देंगे, जो उन धंधा कर रहे हैं ठीक है, अब उसके लिए क्या सरकार या नई नई दुकान दबावे तब यह आदमी बैठ के करे? अब उसके लिए कर कह सकते हो, जो कर रहे हैं सब बढ़िया है माता रानी कृपा से, दो पैसा कमा रहे, अपना परिवार तो चला रहे, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे हैं कि किसी के चौकड़े पे जाए भैया दे दो 100-200, आदमी देगा एक दो दिन देगा, हाँ मदद भी करेगा एक दो दिन देगा, बगैर मेहनत करे आज के युग में कोई काम ना दो, समरे कहे का मतलब ये है। एक चीज़ आप कह रही थी कि वहाँ पर कमाई आपकी कम हो रही, सैलरी कम मिल रही थी, तो यहाँ पर आप उससे तो बेहतर है कि नहीं? जी भैया उससे बेटर है, बस ये मेहनत करना पड़ता है, आप देख ही रहे हैं कितनी तेज धूप है और क्या हालत है, सवेरे 6 बजे से निकली हूँ, 6 बजे जी रात के होने के लिए आप रूम पे खाने के लिए एक आध घंटे के लिए रूम पे जाती हूँ, कभी नहीं टाइम मिलता है, 4 बज जाते हैं खाना खाने में भी, और फिर शाम के 7, 7:30, 8 बजे तक चलाते हैं। भैया क्या करते हैं? बस यही बैटरी रिक्शा चलाते हैं बड़े भाई। बैटरी रिक्शा चलाते हैं, आप लोगों के बीच में एक महिला बैटरी रिक्शा चला रही है, क्या कहेंगे आप लोग? अच्छी बात है, मेहनत करके खा रही हैं। सहयोग करते हैं आप इनका? अरे क्यों नहीं, पूछ लीजिए 24 घंटा जब भी ये सवारी पहले इनको बैठा दे फिर बाद में हम लोग बैठे। वाह क्या बात है यार, गजब यार, अब देखिए ऐसे लोग होने चाहिए समाज में, पहले इनकी गाड़ी पे बैठाते फिर उसके बाद गाड़ी पे हम लोग बैठाते अपने। तो लोग मदद करते हैं आपकी? जी भैया जी बहुत मदद करते हैं, ये हमारी बड़ी बहन है। चलिए बहुत अच्छी बात है भैया, बड़ी खुशी मिल रही है कि ऐसे भी लोग हैं समाज में कि जो लोग इस तरीके की महिलाओं को अगर देखते हैं तो उनका सहयोग करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि इनके जो आसपास के लोग हैं वो भी नेक दिल हैं, कह रहे हैं कि भैया सवारी पहले इनको बैठाते हैं फिर लोग अपने को अपने पर सवारी बैठाते हैं, क्या कहेंगे आप लोग? क्योंकि मुझे पहली नज़र में ऐसा कोई मिला, मैंने पहले भी बताया कि मैं देश के कई राज्यों में जा चुका हूँ, अब तक कोई मुझे ऐसी महिला ना मिली हो जो इस तरीके से ही रिक्शा चला रही हो, लेकिन इनको देखकर कहीं ना कहीं तमाम लोग ऐसे हैं जो प्रेरित होंगे। चाचा क्या कहेंगे आप इनके लिए? अरे एक मिनट रुक जाए भाई, एक मिनट। अच्छा एक मिनट रुक जाएं, चलिए कोई बात नहीं। बिल्कुल क्या कहेंगे आप लोग, थोड़ी सी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, इनकी हिम्मत के लिए, इनके हौसले के लिए और इनके अंदर जो जुनून है कुछ कर गुजरने का। कहना कि भैया एक दो आधा हिस्सा जमीन जौनपुर में दबा दें इनके लिए, इनका खुद का मकान हो जाए, बस यही अखिलेश यादव से कहना है कुछ ना। चलिए भैया अखिलेश यादव से एक और डिमांड कर रहे हैं, हालांकि अखिलेश यादव से ये मिली और जो कुछ उन्होंने मदद किया उससे ये संतुष्ट है पूरे तरीके से, बस इनका सपना है कि अपने बिटिया को डॉक्टर बनाना है। इनके हौसले को, इनके जुनून को, इनकी हिम्मत को मैं भी सलाम करता हूं, ऐसी भारत की बेटियों को। और क्या कहेंगे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। कैमरे के पीछे सहयोग करें सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर जौनपुर।